व्यंजनो विकराल कालो, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जी हाँ, देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है। इस पूरे महीने में शिवालयों में भक्त भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इस पूरे महीने में भगवान शिव को सोमपत्र और बेलपत्र के साथ ही पानी और दूध से स्नान कराया जाता है। साथ ही प्रसाद के रूप में श्रीफल के अलावा भोलेनाथ का प्रिय फल धतूरा भी चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत अधिक प्रिय है। 100 कमल की जगह 1 नीलकमल और 100 नीलकमल की जगह 1 बेलपत्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने में सोमवार को रखे जाने वाले व्रत का खासा महत्व है। गंगा जटा में तुम्हारी हो, गंगा जटा में तुम्हारी। हम प्यासे यहाँ महासती के पति, मेरी सुनो वंदना। हे भोले शंकर पधारो, बैठे चुपके कहा। इस साल सावन के महीने में 4 सोमवार हैं। सावन के सभी सोमवार में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना धार्मिक दृष्टि से बहुत फलदायी माना गया है। सावन महीने के पीछे की मान्यता ये है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई सालों तक शापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। इस महीने में कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए शिव जी को पूछती हैं। वो शिव जी के लिए ही है और उसमें जो भी मनोकामनाएं पूरी की मतलब मानी जाती हैं वो इस समय पूरी हो जाती हैं। और ये पूरा महीना साक्षात शिव जी प्रकट होकर यहाँ पर और सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वो आज सुबह से व्रत रखते हैं और शाम को एक टाइम फलाहार लेकर और इस व्रत को संपन्न करते हैं और पूजा करते हैं। सुबह आकर शिव जी का गंगा जल, शहद, दूध, दही, पंचामृत से शिव जी को स्नान कराकर बेलपत्र वगैरह से उनकी पूजा करते हैं। शंकर जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और बच्चों की लंबी आयु, पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दूध और मधुरस जल चढ़ा के उनका अभिषेक करते हैं, फिर बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये सावन सोमवार पूरा उपवास करते हैं। अलाइव 24 की टीम ये कामना करती है कि भगवान शिव आप सबके सभी मनोकामना पूरी करे। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं ममा।